हेलो एवरीवन, एसबीआई पीओ के डाटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ सवाल्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग सवाल्स की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डीआरएस स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग ना डायरेक्ट सवाल की ओर चलेंगे बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लगभग मैं सब लोगों को पता है। जो कुछ यूनिक चीज़ होगी वो मैं सवाल के दौर में ही सब चीज़ सिखा दूंगा। तो सवाल को आपको ध्यान से समझना है कि देखो, ये डीआई हमें बताना क्या चाह रहा है कि इस डीआई में बोल रहा है बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, नीचे जो बार ग्राफ दिया हुआ है वो क्या बता रहा है आपको कि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है बिटवीन डिफरेंट स्टेशंस, विभिन्न स्टेशनों के बीच में। तो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिए हुए, कितना डिस्टेंस दिए हुए, 45 किलोमीटर। ठीक है, फिर एंड टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट स्टेशन इन मिनट। ठीक है, यानी कि ये जो समय दिए हुए है ये 20 मिनट दिए हुए है इस 45 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ में कि ये यूनिट जो आपको दिए हुए है एक किलोमीटर में है और दूसरा क्या है आपका मिनट में है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि उसको डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे चलेंगे, उसको हम लोग आवर में चेंज करते हुए चलेंगे सवाल में। ठीक है, जब जैसा सवाल आएगा उसी अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से देख लो कि ए से बी जाने में 45 किलोमीटर 20 मिनट लगते हैं, बी से सी जाने में 24 किलोमीटर 20 मिनट लगते हैं। अब ये जो स्टेशन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोट स्टेशन ए इज़ द ओरिजिन स्टेशन एंड स्टेशन एफ इज़ द डेस्टिनेशन स्टेशन फॉर ट्रेन। ठीक है, एफ जो है डेस्टिनेशन स्टेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये इस तरीके से तोड़ के कहने का मतलब क्या है कि बी पे वो कुछ देर तक रुका होगा, तब उसके बाद आगे चला है। ठीक है, ताकि वो डिस्टेंस 24 किलोमीटर का 10-20 मिनट ले रहा है। इस तरीके से मतलब कुछ हॉल्टिंग टाइम आपको दिए हुए रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। कहीं पे भी दिए हुए भी रहेगा, कहीं नहीं भी दिए हुए रहेगा। क्या दे रखा है सवाल में, पहला फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन स्टेशंस ए टू डी। ठीक है, एवरेज स्पीड बताना है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड बराबर में हम लोग जान लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और बटे में क्या, टोटल टाइम। एकदम नॉर्मल सा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बटे में क्या, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बताना है ए से डी जाने के लिए इफ हॉल्ट पीरियड ऑफ ट्रेन एट स्टेशन बी एंड सी इज 10 मिनट्स एंड 5 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। यानी बी पे 10 मिनट के लिए और सी पे 5 मिनट के लिए क्या होती है, ट्रेन रुकती है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या हम लोगों को निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस ए से डी तक का डिस्टेंस क्या है, 45 किलोमीटर 24 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर, 45, 24 एंड वॉट 36। ठीक है, और टाइम का बात करें तो टाइम सबसे पहले इस 45 किलोमीटर को चलने में कितना लगा, 20 मिनट लगते हैं। अभी ध्यान रखना ये मिनट में ही लिख रहा हूँ, 20। फिर 24 किलोमीटर को चलने में 20 मिनट ही लगते हैं, 36 किलोमीटर को चलने में 25 मिनट लगते हैं, और हॉल्ट टाइम कितना कितना दिए हुए, क्योंकि वो टाइम भी तो इंक्लूड होगा, 10 मिनट का एक बार, फिर 5 मिनट का एक बार। ठीक है, और फिर यही चीज़ जो अगर मिनट में है इसी को आवर में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड भी हो जाएगा। बस इसी चीज़ को हमें सॉल्व कर देना है। 36, 24 हमारा कितना हो जाएगा, 30, 20, 50 एंड 160 में हम लोग 45 जोड़ देंगे तो ये हमें देगा 105। नीचे सारा जब जोड़ देंगे तो नीचे सारा जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 80, और ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, यानी कि यहाँ से हमारा क्या मिल गया, 315 बटे में क्या, 4। इसी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये सब शब्दों में 78.75 किलोमीटर पर आवर देगा, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, वो क्या सवाल में बोल रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन टू रीच स्टेशन एफ फ्रॉम स्टेशन डी इज 50 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन डी से स्टेशन एफ जाने में उसे 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड लगता है। ठीक है, डी से एफ देखो कहाँ से जा रहा है, डी से ई जाएगा, ई से एफ जाएगा, यानी हॉल्ट टाइम एक यहाँ पे ही मिला कि जहाँ पे वो हॉल्ट कर सकता है कुछ। ठीक है, देन फाइंड द टोटल हॉल्ट पीरियड ऑफ ट्रेन एट स्टेशन ई, स्टेशन ई पे कितना देर का हॉल्ट करेगा ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे तुम देखो क्या करोगे, यहाँ पे कि सबसे पहले तुम एवरेज स्पीड यहाँ से निकालोगे। एवरेज के लिए मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस 30 प्लस में क्या, 25,
ठीक है, फिर यहाँ से तुम टोटल टाइम लोगे यानी कि 15 प्लस में 40, अगर हॉल्ट किया है तो वही हॉल्ट का टाइम निकालना है जिसे तुम एक्स मान लो, और यहाँ से क्या कर दो बराबर में 50 कर दो, ठीक है। इसी चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 30 20 कितना है 55 बटे में क्या है हमारा 65 सॉरी 55 और प्लस में क्या हमारा x बराबर में क्या हमारा 50 है। 5 से काट दो इसे 10 बार में, 5 से काट दो इसे 11 बार में, ठीक है। अब इसी चीज़ को तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो टाइम है हमारा, ये क्या है टाइम हमारा मिनट में है, यानी इसे आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा 60 से ये मल्टीप्लाई होगा। 0 0 काट दो यहाँ से, यानी कि 66 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 प्लस में x, एंड x की मान जो निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, 11 मिनट निकल जाएगी, यानी कि हॉल टाइम जो था ई पे वो कितने मिनट्स का था, 11 मिनट्स का था, एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या है ना, नेक्स्ट सवाल बड़ा ही अच्छा है, नॉमिनली अगर तुम करने जाओगे तो इस सवाल में देखो क्या है, और हम लोग इससे बेस्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, ठीक है, स्टेशन ए से जब ट्रेन स्टार्ट करती है, यानी कि एक जर्नी शुरू करो तुम यहाँ से, ए है यहाँ पे, बी स्टेशन है, सी स्टेशन है, डी स्टेशन है, ई है, और यहाँ पे एफ है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से इसे ना यूज़ नहीं करना है, मतलब यूज़ करना है इस तरीके से लिख के नहीं, डायरेक्ट अप्रोच लेके यूज़ करना है। क्या बोल रहा है, व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, अनदर ट्रेन पी स्टार्ट्स फ्रॉम सी, ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब कोई ट्रेन यहाँ से अगर शुरू होती है तो उसी समय सी से भी शुरू होती है, ठीक है, सी से शुरू होती है, एंड बोथ द ट्रेन रीचेज स्टेशन एफ एट द सेम टाइम। मतलब क्या हो गया, सी से एफ आने में जितना समय लगा है उतना ही समय ए से एफ आने में लगा है हमारा, यानी हमारा दोनों ही कंडीशन में क्या कांस्टेंट हमको मिल गया, टाइम कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। टाइम जब कांस्टेंट मिल गया तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड ट्रेन पी, एज्यूम हॉल्ट पीरियड फॉर बोथ द ट्रेन्स आर जीरो, यानी कि हॉल्ट पीरियड जो रुकने का समय है वो दोनों ही ट्रेन का क्या है, जीरो, दोनों ट्रेन नहीं रुकती है। तो टाइम जब हमारा कांस्टेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे जब टाइम कांस्टेंट, हमें स्पीड का एवरेज स्पीड का रेशियो निकालना है, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बटे में स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। तो पहले ट्रेन ने दूरी कितनी ट्रैवल की, ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक दूरी कितनी है, 45 प्लस में 24 प्लस में 36 प्लस में क्या हमारा 30 और प्लस में हमारा क्या 25, ठीक है। और फिर एस टू दूसरी ट्रेन जिसे आप लोगों ने पी यहाँ पे नाम दिया हुआ, मैंने पी से बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसने कितनी दूरी तय की है सी से लेके एफ तक, तो सी से लेके एफ तक दूरी कितनी है 36 प्लस में 30 और प्लस में क्या 25, ठीक है। अब इसी को जब तुम यहाँ पे ऐड करोगे तो यही तुम्हें ऐड करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से तुम्हें देगा 160 बटे में क्या 91, और यही हमारा आंसर है 160 बटे में क्या 91, ऑप्शन नंबर डी। क्यों इसमें सीधा सीधी, हमें यहाँ पे लिटरली निकालने के लिए बोला था एवरेज स्पीड, अब तुम टाइम से जब इसमें डिवाइड करोगे डिस्टेंस बटे में टाइम, तो टाइम तो दोनों को इक्वली लगा ना, जितना समय ए से लेके एफ तक लगा उतना ही समय सी से लेके एफ तक लगा, तो टाइम तो कट जाना है वैसे भी। तो इसे डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये सवाल ना आपको अर्थमेटिक में भी बहुत काम देगा, तो चीज़ों को इस तरीके से ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन स्टेशन ए टू बी, बी टू सी एंड डी टू ई, यानी ए टू बी ये, बी टू सी ये एंड डी टू ई क्या ये, इसका आपको एवरेज ऑफ स्पीड। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है एवरेज ऑफ स्पीड, मतलब जो स्पीड है उसका तुम्हें एवरेज निकालना है, ठीक है, और एक होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में क्या टोटल टाइम। जब एवरेज ऑफ स्पीड बोले मतलब क्या, किसी भी दो तीन राशि तुम्हें दी हुई है उसका सिंपली तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ए से बी का स्पीड क्या है तुम्हारा, देखो तो 25 बटे में क्या 20, ये मिनट में है, यहाँ पे तुम 60 मल्टीप्लाई करोगे, हम लोग लास्ट में जाके करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 24 बाई में क्या है 20, फिर प्लस में क्या है 30 बाई में क्या है हमारा 15,
और इसी को हम लोग क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, सॉरी ये स्पीड का सम हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है एवरेज ऑफ स्पीड, यानी कि इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड भी कर देंगे। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, यहाँ से ऐड कर दो 45, 24 हमें कितना देगा 69 बटे में 20 प्लस में 30, यानी कि यहाँ से इसे काट दो दो बार में, 15 से दो बार में, यानी कि ये क्या दे देगा हमें 2 दे देगा। और इसे गुना किसके साथ करना है 20 के साथ, तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, यानी कि 69 प्लस में 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40, यानी 69 और 40 हमारा जब ऐड होगा तो ये हमें क्या देगा 109 किलोमीटर पर आवर। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 109। ध्यान यहाँ रखना ये है एवरेज ऑफ स्पीड निकालने के लिए बोला है, ना कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल देखो नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, क्या बोल रहा है, इफ शेड्यूल्ड हॉल्ट पीरियड ऑफ ट्रेन एट स्टेशन डी इज 15 मिनट, डी पे जो शेड्यूल्ड टाइम था वो कितना था हमारा 15 मिनट का था, यानी कि यहाँ पे जो रुकती थी उसकी ओरिजिनल जो रुकने की समय थी वो थी 15 मिनट की, बट इट स्टॉप्स देयर फॉर 11 मोर मिनट, वहाँ पे वो 11 और मिनट के लिए वो क्या करता है रुक जाता है। ठीक है, देन फाइंड द शेड्यूल्ड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन स्टेशन सी टू ई, जो शेड्यूल्ड है वो जो है हमारा इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्चुअल एवरेज स्पीड, एक्चुअल एवरेज स्पीड से वो कितना परसेंट अधिक है ये हमें बताना है, यानी कि जो शेड्यूल्ड था हमारा व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्चुअल एवरेज स्पीड, यानी कि अब जो एक्चुअल एवरेज स्पीड लग रहा है उससे कितना परसेंट अधिक है। अब तुम ध्यान दो यहाँ से, तुम्हें बोला क्या है सी से लेके ई तक के बारे में ही, तो सी से ई की जो दूरी होगी दोनों ही टाइम में दूरी क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी, तो दूरी जब कॉन्स्टेंट होगी तो स्पीड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, स्पीड जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का तो हमारा वहाँ पे क्या बोल रहा है कंडीशन कि जो टाइम का तुम्हें दिए हुए है कंडीशन, तो टाइम देखो शेड्यूल्ड टाइम तुम जिसे बोल रहे हो, ठीक है शेड्यूल्ड टाइम, शेड्यूल्ड टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा सबसे पहले सी से तुम्हें कहाँ जाना है डी और डी से कहाँ जाना है ई, यानी तुम्हारा टाइम था 25 मिनट प्लस में 15 मिनट का तुम्हें हॉल्ट दिया था डी पे और डी से ई जाने में तुम्हें लगा 15 मिनट, यानी कि टोटल टाइम तुम्हारा क्या हो गया 55 मिनट यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम आप क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा टाइम आपको जो लग रहा है वो लग रहा है 11 मिनट। अब देखो सवाल ना इतना सही हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंस जब टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे या तो तुम एक्चुअल एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग निकालो, नहीं तो तुम यहाँ पे सीधा सीधे टाइम को इन्वर्स करके निकाल दो, यानी कि शेड्यूल टाइम के रेस्पेक्ट में तुम निकाल दो। देखो यहाँ ध्यान से, तुमने एक्स्ट्रा लिया 11 मिनट, तुमसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज तुमने एक्स्ट्रा लिया स्पीड में, तो टाइम के अकॉर्डिंग तुम देख लो रिवर्स में तुमने कितना मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो परसेंटेज इंक्रीज जब निकालोगे तो तुम्हारा इंक्रीज हुआ 11 मिनट का आउट ऑफ कितना 55 मिनट गुने में क्या कर दो 100 कर दो, और यहाँ से तुम सॉल्व करो 11 से 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20%, और यही हमारा आंसर है 20%। एल्स तुम बहुत सारा कैलकुलेशन करो, इस सवाल को नॉर्मली बना के देखो, ठीक है कितना आसानी से बन जाता है, तुम देखो तुम भी बनाओ नॉर्मली, तुम्हें भी पता है कि एक बार 15 मिनट समय लेके तुम्हें बनाना है, फिर एक बार तुम्हें क्या लेना है 26 मिनट समय लेके बनाना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, करके देख लेना, ये चीज़ें जो है डायरेक्टली आसान हो जाएंगी। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों को, इफ ट्रेन टेक्स 5 और मिनट्स देन द शेड्यूल टाइम टू रीच सी फ्रॉम ए, ए से सी जाने में 5 और मिनट लगता है। ठीक है, देन फाइंड टू रीच डी ऑन शेड्यूल टाइम, डी पे शेड्यूल टाइम में पहुंचने के लिए द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन सी एंड डी वुड बी हाउ मच मोर देन द शेड्यूल्ड एवरेज स्पीड, शेड्यूल्ड एवरेज स्पीड से कितना अधिक होगा। ध्यान से देखो सवाल में तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हें डिफरेंस निकालना है कि जो शेड्यूल्ड तुम्हारा एवरेज स्पीड था और जो टाइम तुमने 5 मिनट अधिक लगाया है उसके वजह से जो तुम्हारे एवरेज पे स्पीड पे जो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें टाइम पे ही पहुंचना है तो स्पीड तुम इंक्रीज करोगे, तो इन्हीं दोनों का तुम्हें क्या निकालना है अंतर निकालना है। यानी कि अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो तुम्हें निकालना है न्यू स्पीड, क्योंकि न्यू स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी क्योंकि टाइम तुम्हें अब कम ही तुम्हारे पास कम ही बचा है, माइनस में क्या निकालना है ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ तक सी तक तुम्हें पहुँच दिया, सी तक पहुँचने में तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया।
ठीक है, तो 5 मिनट तुम मैनेज कहाँ से करोगे, इसी में ना मैनेज करोगे, यानी कि नई एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 36। लेकिन तुम्हें 36 किलोमीटर को तुम्हें चलना कितना देर में है, 20 मिनट में ही, क्योंकि ये 5 मिनट कहाँ जाके मैनेज हो रहा है, इधर जाके मैनेज हो रहा है। और यहाँ से इसमें क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई भी कर दो, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। फिर माइनस कर दो ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है 36 बटे में क्या 25 के स्पीड से चलना था, उसे मल्टीप्लाई कर दो 60 से। अब देखो यहाँ से तुम कॉमन क्या ले सकते हो, 36 गुना 60। अब ये चीज़ें ना मैं तुम्हें अभी समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से देखो हम लिख दो यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा एग्जाम रहे ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना सही नहीं है। यहाँ से तुम्हें दिख गया 36 और 60 कॉमन है, बचेगा 1/20, 1/25। कुछ मत करो, 25 और 20 का क्या करो, अंतर निकाल दो। यहाँ पे भी देखो लिटरली तुम करोगे वही, अंतर निकाल दिया 5, और नीचे में तुम वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दो 20 गुने में क्या 25। 20 से काट दो 3 बार में, 5 से काट दो इसे 5 बार में, ठीक है। 20 से जब तुमने काट दिया और 5 से यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे तुम देखो 36 गुने में 3 यानी कि तुम्हें क्या देगा, 108 देगा, और यहाँ पे 5 देगा। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या, जस्ट उसे दुगना करो 216, और क्या करो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 21 पॉइंट क्या देगा तुम्हें, 6 देगा। और यही तुम्हारा आंसर है किलोमीटर पर आवर में, 21 पॉइंट में 6। कभी कभी सवाल ना कॉमन लेने से भी बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे जहां पे तुम्हें कैलकुलेशन में कॉमन लो और सवाल जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखो हम लोगों का ना दूसरा DI शुरू हो गया है, ठीक है। दूसरा DI हम लोगों को क्या बोल रहा है, बड़ा ही अच्छा DI था इसमें। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है, गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स केम टू इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे। देखो ध्यान से समझना ये ग्राफ को ना, तुम्हें समझना है कि दोनों बोल क्या रहा है। कि जो पहला पाई चार्ट है वो तुम्हें बता रहा है कि कुछ विजिटर्स जो हैं दूसरे दूसरे कंट्री से इंडिया आए थे, ठीक है। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द अकॉर्डिंगली, अभी तो ठीक है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ विजिटर्स डेट विजिटेड इंडिया इज 2500। जो इंडिया विजिट किए थे वो कितने थे, 2500 थे, जिसमें कि हमारा US से जो थे वो 20% थे, चाइना से जो थे वो 15% थे, रसिया से जो थे वो थे हमारे 30%, ठीक है। इसी तरीके से फ्रांस और नेपाल हो गया। फिर नीचे में हम लोगों का कंडीशन क्या है कि गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स वेंट टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो विजिटर्स आए थे कितना, 2500, और गए कहाँ, आउट ऑफ टोटल विजिटर्स, यहाँ पे देखो मेंशन भी कर दिया आउट ऑफ टोटल विजिटर्स दैट केम टू इंडिया, मतलब ये जो स्टेट्स में गए थे, UP गए थे घूमने, MP गए थे, दिल्ली गए थे, कर्नाटका गए थे, महाराष्ट्र गए थे, उनका आपको ये ग्राफ दिए हुए है। और यहाँ पे भी जब 2500 विजिटर्स आए थे तो यहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, 2500 का ही है। अब देखो सवाल में क्या है हम लोगों का, पहला बोल रहा है ऑल द विजिटर हैव टू एक्सचेंज देयर डॉलर्स इनटू रुपीज़। जितने भी विजिटर्स थे सबको, सबके डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट कराना था बिफोर देयर विजिट। टोटल अमाउंट एक्सचेंज्ड बाय फीमेल विजिटर फ्रॉम US इज 81.6 लाख। जो टोटल अमाउंट एक्सचेंज हुआ था वो था 81.6 लाख। अगर यहाँ से जीरो हटा दें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैठाना शुरू कर देते हैं 1 लाख को, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बैठा दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंट ऑफ फीमेल विजिटर फ्रॉम US। फीमेल विजिटर का परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ टोटल विजिटर, टोटल विजिटर से फ्रॉम US। ये टोटल विजिटर जो है किससे है, US से है। इफ ईच फीमेल विजिटर हैज एक्सचेंज्ड एवरेज ऑफ $850। हर एक फीमेल विजिटर कितना एवरेज एक्सचेंज की है, 850, यानी तुम्हें एवरेज दिए हुए है $850, और $1 का वैल्यू कितना है, 64 है। तो ये एवरेज है, एवरेज इनटू जब क्वांटिटी तुम करोगे तो ये तुम्हें क्या दे देता है, सम दे देता है, क्या दे देता है, सम। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से देखो 0 0 खत्म हो गया, एक और 0 तुम यहाँ से चाहो तो उड़ा दो, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि 816 और 64 है, 64 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तुम यहाँ क्या करो 16 से काट दो, 16 से 4 बार में, और 16 से इसे तुम जब काटोगे तो 16 से ये कट जाएगा तुम्हारा 51 बार में, ठीक है। अब तुम्हें साफ शब्दों में दिख रहा है 17 से ये 3 बार में कटेगा, 17 से ये 5 बार में कटेगा। 5 4 जा क्या होता है हमारा, 20 होता है। 20 को जब तुम काटोगे यहाँ तो 50 बार में कटेगा, यानी x की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 150 निकल गई। अब जब ये x निकला हमारा क्या, ये निकला फीमेल जो है, ये क्या निकल रहा है हमारा, फीमेल विजिटर फ्रॉम क्या, US, ठीक है। हमें परसेंटेज फीमेल निकालना है आउट ऑफ क्या, टोटल फीमेल US से जो आए, टोटल जो आए थे मेल फीमेल मिला के US से, तो देखो 20% है, तो 20% ये जो है किसका 20% है,
2500 का ही 20% है ना, तो 2500 का 20% निकाल दो, 2500 का 20% कितना होता है हमारा 500, यानी 500 विजिटर्स जो हैं वो यूएस से आए थे जो कि मेल और फीमेल थे। तो अब तुम्हें परसेंटेज फीमेल निकालना है, तो परसेंटेज फीमेल कैसे निकालोगे तुम, 150 बटे में 500 और गुने में क्या 100, यहाँ से 0 0 काट देना है, 5 से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30%, यानी परसेंटेज फीमेल जो थी हमारी यूएस से जो आई थी वो थी हमारी 30%। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रखा है हम लोगों के सवाल में, इफ़ द विजिटर्स फ्रॉम ओनली 3 कंट्रीज नेपाल फ्रांस एंड चाइना विजिटेड दिल्ली, जो विजिटर्स आए थे 3 कंट्री से, नेपाल फ्रांस और चाइना से, वही लोग जो हैं वो कहाँ गए हैं, सिर्फ दिल्ली गए हैं, ऑफ देयर नंबर इन 7, 8 and 10 रेस्पेक्टिवली, यानी जो उनका नंबर है रेशियो में क्या है 7x, 8x और 10x। ठीक है, What is the difference between the number of visitors from China and Nepal who visited places other than Delhi? हमें क्या बताना है, difference निकालना है उन visitors का जो दिल्ली के अलावा, जो कहाँ से, चाइना और नेपाल से के अलावा, ना चाइना और नेपाल से, दिल्ली के अलावा किसी और जगह गए थे घूमने के लिए, मतलब क्या कहीं पे भी, MP, कर्नाटका, महाराष्ट्र, UP, मतलब दिल्ली ना, दिल्ली को वाले को क्या करना है, घटा देना है। तो दिल्ली वाले को कैसे घटाएंगे, टोटल घूमने वाले का निकाल लेंगे, उसमें दिल्ली वाले का क्या करना है, घटा देना है। तो देखो टोटल हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो नेपाल से आए थे, जो फ्रांस से आए थे और जो चाइना के थे, और ये लोग जो 7x, 8x और 10x है, ये लोग जो कहाँ गए थे हम लोगों का, दिल्ली गए थे घूमने के लिए। ठीक है, इनकी संख्या जो है किसके बराबर होगी, यहाँ पे तुम्हें दिए हुए है कि दिल्ली में जो लोग घूमने आए थे वो थे हमारे 13%, और यहाँ पे ओनली भी लगा दिया है कि दिल्ली में जो गए हैं वो यही 3 जगहों से गए थे, यानी कि दिल्ली में जो घूमने के लिए आए वो क्या है 2500 का 13%, यानी कि 13 बटे में क्या 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू साफ शब्दों में दिख रहा है, 7, 8 कितना 15, 15, 10 कितना 25, 25, 25 खत्म हो जाएगा, 0, 0 खत्म, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 13 निकल गई। अब तुम जब एक्स की वैल्यू 13 निकल गई, तो चाइना से वो लोग जो दिल्ली गए थे, चाइना से कितने लोग थे 10x लोग थे, यानी कि 130 लोग दिल्ली गए थे। नेपाल से बात करें, नेपाल में 7x लोग थे, तो 7 × 3 जब करेंगे तो 7 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 91, यानी कि 91 लोग थे, ये लोग कहाँ गए थे दिल्ली गए थे। अब नॉन दिल्ली वाले कैसे निकलेंगे टोटल घूमने वाले में, इसको हम लोग घटा देंगे, यानी हमें रिमेनिंग निकालना है। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, सबसे पहले उसके लिए हमें टोटल निकालना होगा। तो अब देखो यहाँ पे चाइना और यहाँ पे हमने किसे बात करना है, नेपाल में बात करना है। चाइना देखो कितना परसेंट है चाइना में, 25% है, तो 250 का जब तुम 15% निकालोगे, 25% नहीं 15%, तो 25 × 15 तुम्हें देगा कितना 375। ठीक है, यानी कि टोटल 375 लोग थे, जिसमें 130 लोग जो थे वो कहाँ चले गए थे, दिल्ली घूमने चले गए थे। 200 375 में जब 130 घटा दोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 245 देगा। ठीक है, उसी तरीके से नेपाल का भी निकाल लो, नेपाल में कितने परसेंट लोग थे 10%, यानी कि 2500 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा, और 91 ऐसे लोग थे जो दिल्ली गए थे, तो दिल्ली के अलावा जो बचे वो कितने लोग हो जाएंगे 159 हो जाएंगे, और इसी में का हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल दो 245 − 159, और इसी का जहाँ से डिफरेंस जब निकालोगे तो ये तुम्हें देगा 86, और यही हमारा आंसर है 86, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में हमें बोल रखा है 30% ऑफ द टोटल विजिटर्स फ्रॉम रसिया विजिट्स यूपी, रसिया के जो टोटल विजिटर्स हैं उसके 30% जो हैं वो यूपी चले जाते हैं ड्यूरिंग देयर विजिट टू इंडिया, इंडिया विजिट के दरमियान। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ विजिटर्स हु विजिट्स यूपी आर फ्रॉम रसिया, यूपी को जो विजिट्स करते हैं उसके कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो रसिया से हैं। तो यूपी को विजिट कितना परसेंट लोग करता है 28%, किसका 28%, 2500 का 28%। ठीक है, ये तो हो गया टोटल यूपी को विजिट करने वाले, इसका कितना परसेंट है जो यूपी विजिट करते हैं रसिया से हैं। तो रसिया से 30% लोग यूपी विजिट करते हैं, तो सबसे पहले रसिया का निकाल लो, 2500 का रसिया का कितना परसेंट है 30% लोग हैं हमारे पास। ठीक है, ये 30% अभी हम लोगों ने लिया कि 2500 का डिस्ट्रीब्यूशन रसिया में कितना है 30%,
अब जो विजिटर्स हैं रसिया के, उसका 30% क्या कर रहा है, यूपी में भेज रहा है। तो यहाँ पे उसका 30% लगा दो और इसी चीज़ को सॉल्व कर देना। देखो यहाँ से 100, 100, 2500, 100, 100, 2500 खत्म हो गया क्या? अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 से कट जाएगा ये 14 बार में, 2 से ये 15 बार में, फिर 2 से ये 15 बार में, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, यानी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 22.5/7। इसी को जब तुम सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 32% देगा, और अप्रॉक्सीमेटली पूछा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32%। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रखा है, देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, जितना बड़ा सवाल उतना आसान सा सवाल। इफ 20% ऑफ द टोटल विजिटर फ्रॉम फ्रांस विजिट्स मुंबई, 20% जो टोटल विजिटर है फ्रांस से वो कहाँ विजिट करते हैं, मुंबई विजिट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में हैं कितने लोग, फ्रांस में हमारे हैं कितने लोग, 25%, जिसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ठीक है, बोल रहा है इसका 20% जो है वो कहाँ जाता है, महाराष्ट्र जाता है। तो 20% का मतलब क्या, 1/4। ये वैसे लोग हैं जो फ्रांस से हैं और कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं ड्यूरिंग द विजिट। एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल विजिटर इज अमंग देम इज 17:8। ठीक है, मेल और फीमेल जो है वो है 17:8 में है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चार्ज 3000 फ्रॉम मेल, यानी मेल से कितना चार्ज कर रही है, 3000 चार्ज कर रही है, और फीमेल से जो चार्ज कर रही है वो कितना चार्ज कर रही है, 2500 रुपये चार्ज कर रही है। तो फ्रॉम फ्रांस टू एवरी फीमेल विजिटर फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द विजिटर ऑफ फ्रांस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की थी उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपको ये बताना है। तो देखो कितना रेवेन्यू जनरेट किया, हमें सिर्फ सीधा सीधे यहाँ से निकालना है। यहाँ पे देखो क्या है, मेल का अगर बात करें तो मेल क्या है हमारा 2500 का 1/4, 1/5 क्या कर देते हैं, 1/20, और मेल का रेशियो क्या है 17/25 और गुने क्या 30, यानी मेल से उसने इतना कमाया होगा। ठीक है, फिर हमारा 2500 गुने में क्या है 1/20 गुने में क्या है 8/25। ठीक है, और फिर गुने में क्या कर देना है 2500 कर देना है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल इतना कमाया है। अब इसी को काट छाट दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 25 से देखो ये कट जाएगा तुम्हारा कितने बार में, 100 बार में। 20 से काट दो इसे कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 × 15, और यहाँ पे 17 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 225,000। और फिर यहाँ से आ जाओ तुम, 25 से काट दो इसे 100 बार में, 20 से काट दो इसे 5 बार में, और फिर 8 × 5 कितना 40, 40 × 25 जब तुम करोगे तो ये तुम्हें देगा 1,00,000। ठीक है, 1,00,000। अब यहाँ से तुम्हारा 1,00,000, यहाँ से 2,25,000, यानी ऐड जब तुम इसे करोगे तो ये तुम्हें देगा 2,55 होगा। ठीक है, 255 जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 355,000, यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 में कितना 55,00,000, और यही हमारा आंसर है 3 में क्या 55,00,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोगों का क्या बोल रखा है, नेक्स्ट सवाल में क्या है, बड़ा ही आसान सा सवाल। 28% ऑफ द टोटल वेटर इन कर्नाटका, कर्नाटका में टोटल वेटर का 28%, यानी कि 100 का टोटल वेटर है तो उसका 28 आर फ्रॉम नेपाल, जो है कहाँ से हैं, नेपाल से हैं। तो कर्नाटका में सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट है कर्नाटका में, कर्नाटका में क्या है 12% है, और ये 12% का जो 28% है वो कहाँ से है, नेपाल से है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है तुम्हें सवाल में, 12% ऑफ द टोटल विजिटर्स इन दिल्ली आर फ्रॉम चाइना, दिल्ली में जितने लोग हैं उसका 12% जो है वो कहाँ से है, चाइना में। तो दिल्ली में कितने परसेंट लोग हैं, 13% लोग हैं, इस 13 का 12% जो है वो कहाँ से है, चाइना में है। तो इसी चीज़ का रेशियो निकालने बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल विजिटर इन कर्नाटका डेट आर फ्रॉम नेपाल टू द टोटल विजिटर इन दिल्ली डेट आर फ्रॉम चाइना। ठीक है, कर्नाटका का चाइना के साथ तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, काट दो 12 खत्म। क्या बच गया तुम्हारा यहाँ पे 28 में क्या 13, और यही तुम्हारा आंसर है 28:13, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हमारा SBI PO का जो पहला सीरीज है DI का ख़त्म होता है। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई, सॉल्यूशन मेरे करने का तरीका पसंद आया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है,
अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके भी मुझे बताना है कि हाँ ये सही है सर, इसे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये सभी कंटिन्यू होगा जब आपका सपोर्ट हम लोगों तक बना रहेगा। तो इसे शेयर करना ना भूलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के बाद ना उसे लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है? तो लाइक करो, शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी, ठीक है? चलो, थैंक यू।